और जहाँ तक हिसाब किताब का ताल्लुक है, क़यामत के दिन खुद लोगों को पता चल जाएगा कि फलां शख्स कैसा है कैसा नहीं। कुरान कह रहे हैं उसकी अलामत ये है, जिसका रजिस्टर, जिसका परविंदा, जिसकी फाइल दाएं हाथ में दी जाएगी, वो बड़ा आराम से रहेगा, कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई जहमत, हर किसी को पता होगा कि इसके वारे न्यारे हैं, ये कामयाब हो गया है। और जिसकी फाइल बाएं हाथ में दी जाएगी, वो गोया कि हर शख्स समझेगा कि ये मुसीबत में पड़ेगा। फम्मा मन उत या किताब हु बेयमीन ही, जिस शख्स की किताब उसके दाएं हाथ में दी जाएगी, वो बड़ा खुश होगा, वो कहोगा हाँ ओ मुकरऊ किताब या, अरे लोगों आओ मेरी किताब पढ़ो, मेरा रजिस्टर पढ़ो, मेरा दफ्तर पढ़ो, मेरा नामा अमाल पढ़ो। लोगों को खुद पता होगा कि दाएं हाथ में देना ये अलामत है इस बात की कि ये कामयाब व कामरान है। वह अम्मा मन ऊत या किताब हो बिशमाल ही फ़ैकून या ले तनी लम ऊत या किताब या, और अगर किसी को उसका दफ्तर उसका रजिस्टर बाएँ हाथ में दिया जाए, काश मुझे ये रजिस्टर न दिया जाता, काश ये मेरे पास ना होता, सारी दुनिया को पता चलेगा कि ये शख्स अपनी कामयाब व कामरान जो है वो नहीं होगा। ऐसी सूरत में साथ साथ ये बयान किया जा रहा है वह वोज़ अल किताब फतरल मुजरमीना, जिस वक़्त किताबें दी जाएंगी मुजरिम डरे हुए होंगे, खौफ ज़दा होंगे, वो देख रहे होंगे, वो कहेंगे काश हमें ये किताब न दी जाती। और जब किताब को देखेंगे वो ये कहेंगे माल हाजल किताब ला युगादिर सगीरतन वला कबीरतन इल्ला आसाहा, सूरह काफ 15वां पारा। ये कैसी किताब है, इसमें छोटे काम भी लिखे हुए हैं, बड़े काम भी लिखे हुए हैं। सिर्फ ये नहीं बल्कि वह वाजदू मा आमिलू हाजिरा, ये वीडियो जो आप बनाते हैं ये वीडियो अमल की मौजूद होगी कि हम जुमा पढ़ रहे हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम इबादत कर रहे हैं, हम आज़ादारी कर रहे हैं, हम मातम कर रहे हैं, हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, हम हज कर रहे हैं। जब सामने वीडियो मौजूद होगी तो दलीलों की क्या ज़रूरत है, इंसान अपने अमाल को खुद देख रहा होगा। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर गलत काम की वीडियो मौजूद हो तो इंसान ये तो नहीं कह सकता मेरी वीडियो नहीं है, वो तो सामने मौजूद होगा अपनी जगह पर। तो गोया अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम इस तरह है कि लिखने वाले भी अपनी जगह पर मौजूद, हर चीज़ हवा में भी मौजूद, फ़जा में भी मौजूद, ज़मीन में भी बाकायदा वो पैवस्त है, वो भी बोलेगी कि ये कैसा था कैसा नहीं। फिर बाकायदा किताब उसके पास मौजूद होगी, रजिस्टर उसके पास मौजूद होगा, दाएं हाथ में अलामत होगी कामयाब व कामरान, बाएं हाथ में अलामत होगी। और अगर किसी को पीछे की तरफ दी जाए वो तो बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, सीधा जहन्नम में जाएगा, उसके लिए नहीं। इसीलिए कहा गया है कि वहाँ हिसाब किताब में पूछा नहीं जाएगा कोई चीज़, हर शय मौजूद, बल्कि लोगों के पेशानी को देखकर लोग समझ जाएंगे कि ये अच्छा है, सीधा जन्नत में जाएगा, पेशानी को देखकर समझ जाएंगे कि ये शख्स जहन्नमी है।